नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी NSE में लिस्ट होता है तो सबसे पहले वह IPO निकालता है। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर यह रहता है जिसमें आप बुक करके शेयर को परचेज कर सकते हैं। तो अभी हैप्पीएस्ट माइंड्स का जो IPO आया है उसके बारे में हम देखते हैं। IPO आया है उसका डेट है, अप्लाई करने का 7 सितंबर से 9 सितंबर के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 9 सितंबर को 3 बजे के बाद अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो इक्विटी शेयर मिल रहा है वह है 66,26,506 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 एग्रीगेटिंग अप टू 110 करोड़ के समथिंग है। ऑफर फॉर सेल, सेल के लिए जो ऑफर है वह है 592.02 करोड़ का। यह जो है वह ऑफर सेल के लिए आया हुआ है। इसके बाद इसका जो फेस वैल्यू है वह हमें देखने को मिल रहा है ₹2 इक्विटी शेयर में है। और इस IPO का सबसे खास बात जो है वो है कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है। तो इसका जो प्राइस है वह ₹165 से ₹166 पर इक्विटी शेयर के रूप में होगा। तो दोस्तों, इस IPO में हम एंजल ब्रोकिंग के माध्यम से किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, चलिए मैं एंजल ब्रोकिंग के मोबाइल एप्लीकेशन में आ चुका हूँ और यहाँ हम देखेंगे कि जो IPO आया है हैप्पीएस्ट माइंड का, उसमें हम अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ टॉप कॉर्नर पे टच करेंगे। इसके बाद हम ट्रेड ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा IPO, यहाँ पे IPO लिख करके आ रहा है, उसको हम टच करेंगे। ऐसे करके टच किए तो ये देखिए IPO लिस्ट, अभी जो करेंट में IPO लिस्ट आया हुआ है वो हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जो करेंट में हमें देखने को मिल रहा है वह IPO है। अब इसके ऊपर टच करके ज़रा इसके बारे में मैं और आपको कुछ जानकारी दे दूं। तो इसमें आज जो लॉट साइज रहने वाला है वह 90 का रहने वाला है, 90 शेयर का एक लॉट रहेगा। और इसका जो प्राइस है वह ₹165 से ₹166 के बीच है। तो उसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें जो नेट खर्चा लगने वाला है वह इतना लगेगा। ये मिनिमम है और मैक्सिमम बढ़ सकता है थोड़ा सा। अब चलिए अप्लाई कैसे करना है हम स्टेप बाय स्टेप समझते जाते हैं। तो सबसे पहले अप्लाई पे हमें क्लिक करना है। अप्लाई पे गए, अप्लाई में आने के बाद यहाँ हमें लॉट साइज डालना है, कितना लॉट हमें लेना है। तो यहाँ एक व्यक्ति या एक आईडी से आप 13 अधिकतम लॉट ले सकते हैं, 13 लॉट अधिकतम आप एक आईडी से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ एक लॉट और यहाँ आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक अमाउंट आ गया ₹14,940 कटेगा इस IPO को हमें परचेस करने के लिए हमारे बैंक अकाउंट से अभी देना होगा। अगर यह IPO यह शेयर हमें मिल जाता है, हमारे अप्लाई किए हुए में अलॉटमेंट हो जाता है, तो यह जो पैसा है वह हमारे खाते से कट जाएगा और हमें डीमैट अकाउंट में जहां होल्डिंग का जो स्टॉक दिखाता है वहां हमें इस स्टॉक्स को दिखाएगा लिस्ट होने के बाद। अब चलिए देख लेते हैं, नीचे दिया गया है यहां आप अपना भीम UPI ID या फ़ोनपे का UPI ID डालकर पे नाउ पे क्लिक कीजिए तो हो जाएगा। जैसे मैं
ये देखिए मैंने एक UPI डाला और हमें जो फेस वैल्यू दिखा रहा है वह 14,940 रुपये दिखा रहा है। अब हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद कंफर्म पे टैप कर देंगे। ये देखिए नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है क्योंकि मैंने जो UPI ID डाला हुआ रॉन्ग था, गलत था, इस वजह से यह नहीं हो पाया। तो आप अपना सही UPI ID डालेंगे तो वह सीधे रिक्वेस्ट चला जाएगा आपके फ़ोन पे या भीम UPI ID में, और वहाँ से पैसा पेमेंट करने के बाद आप इसमें अप्लाई कर चुके रहेंगे। अब मिलना है या नहीं मिलना है ये आपके हाथ में नहीं है।